नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जोशी न्यूज अपडेट्स पर। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, यूपी आई डी है 2022 का एडमिशन स्टार्ट हो गया है और उसकी जो डेट है 7 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरने की डेट है। जो भी कैंडिडेट 8वीं पास और 10वीं पास हैं वो ITI का फॉर्म भर सकते हैं। यदि उनका नंबर अच्छा है तो उनको गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट ITI मिलेगा। इसमें कई कोर्सेज ऐसे हैं जो कि कक्षा 8वीं पास के लिए है और कक्षा 10 पास के लिए है और पूरे ऑल इंडिया में फार्म निकलता है, हर जगह से राज्य का फार्म निकलता है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हो, जो हाई स्कूल पास हो या जिनको टेक्निकल चाहिए, क्योंकि बहुत से भर्ती सरकारी ऐसी आती है जिसमें ITI मांगता है, तो ऐसे में उन सब अभ्यर्थियों को अपीलों को फार्म भरते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ITI एडमिशन 2022 ऑनलाइन फार्म, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज ITI एडमिशन ऑनलाइन फार्म 2022 SCB TUP सा डिटेल नोटिफिकेशन। आप यहाँ इसको डेट दे सकते हैं कि जो इस पर डेट लिखा हुआ है 7 जुलाई, यहाँ देख सकते हैं 7 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको ये डेट दिया गया है। इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं और इसके बाद इसका अगर नीचे देखा जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास 8 और क्लास 10, यानी क्लास 8 क्लास 10 ये सब के भर्ती जो हैं वो फार्म इसको फिल कर सकते हैं। और जो मिनिमम एज है इसकी, एज यहाँ देखते हैं आप कि 14 ईयर्स इसकी एज है, 14 ईयर्स की अभ्यर्थी फार्म। और जिनका डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट बॉर्न आफ्टर 31 जुलाई 2008, ये है वही भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले वाले भर दें, ये सब चीज़ें रहें। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इसका कोर्स है 1 ईयर 2 ईयर, जैसे प्रोसेसिंग ऑपरेटर है, प्लास्टिक का है, फिटर का है, तो जिसको जो सरकारी नौकरी हिसाब करना है वो अपने हिसाब से फिटर ले, मैकेनिकल ले, और जिनको प्राइवेट तुरंत पकड़ना है तो प्लास्टिक भी है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि इन सब के लिए फ़ायदा है, वो सब कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैकेनिक होगा, ड्राफ्टमैन हुआ, ये सब चीज़ें हैं, पोस्ट हैं इसमें, हैं 1 ईयर 2 ईयर जैसा अभी है सब इनके लिए है। आइए इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं कि जो कोर्स की लिस्ट है, कोर्स की लिस्ट आप खोल देखते हैं तो इसमें आपको पूरी डिटेल दिखाई जाती है कि कौन कौन सा कोर्स क्या है। देखिए जैसे खुल के आ गया राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश आ गया। अब इसमें आप यहाँ देखते हैं कोर्स ग्रुप, जैसे आपको कई कोर्स आप, जैसे कोर्स ग्रुप ए है, फिर बी है, सी है, यानी कि हर जो योग्यता है हर तरीके की है। देखिए कोर्स ग्रुप ए है, इसमें आपका व्यवसाय आ गया, व्यवसाय कोड हो गया, प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम और कार्यकारी शैक्षिक योग्यता, इसमें क्या है 10वीं उत्तीर्ण आपको न्यूनतम और कार्यकारी है, और संचित परिचय, प्लास्टिक के पुर्जे, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के, जो जिसकी जिसमें रुचि हो उस हिसाब से वो करे। सरकारी नौकरी के हिसाब से करना है तो अपना फिटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल करे, और जिनको तुरंत जॉब करनी है उसके लिए प्लास्टिक प्रोसेसिंग है सब अच्छी बात है। फिटर के लिए फिटर भी 2 वर्ष का है, टर्नर 2 वर्ष का है, टर्नर में आपके चूड़ी बनाना ये सब चीज़ों को रहता है। तो जिस यहाँ डिटेल में दिया गया है आप लोग खुद खोल के सरकारी रिजल्ट के नीचे जब जाएंगे, जहाँ एडमिशन वाला है लेटेस्ट जॉब के नीचे, वहीं आपको दिखेगा मंथली इलेक्ट्रिशियन है, रिपोजिशन है, टूल एंड इसका ख्याल करते हैं, आप नीचे चले जाएंगे, 2 वर्ष का है। फिर देखिए यहाँ पर चीज़ 1 वर्ष का भी है, मैकेनिकल डीजल जो है 1 वर्ष का है। इस प्रकार से 2 वर्ष 1 वर्ष कोर्स लिखा गया है, ग्रुप ए ग्रुप, देखिए अब ये कोर्स जो है अब ग्रुप एक आ गया है। अब ग्रुप ए में आप देख लीजिए यहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसको कोपा बोलते हैं। इसमें सरकारी कॉलेज भी बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि बहुत लोग कम इसको चॉइस करते हैं, लेकिन इसकी स्कोप काफ़ी अच्छी भी है। और इसका जो कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेज जेज को चलने का ज्ञान, ये चीज़ें देख ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं लेकिन कोपा बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोपा लोग भर सकते हैं। और इसके कॉलेज इलाहाबाद में भी काफ़ी घर जगह हैं वो कर सकते हैं कोपा। और उसके बाद लिंथो ऑफसेट मशीन स्टेनोग्राफ, स्टेनोग्राफी में आपका अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना है, और फिर स्टेनोग्राफ ये सब चीज़ें हुआ, अब जिसमें सब 10वीं उत्तीर्ण लिखा हुआ है, हेल्थ सेनेटरी है, इस प्रकार से तमाम पद हैं, आप इसको आराम से दे सकते हैं जिसमें इच्छा जिसकी हो। हालांकि परसेंटेज पे होता है स्कूल बेस पे, तो कई आप प्रायोरिटी भरेंगे तो कोई ना कोई आपको मिलना के दे। अब देखिए फिर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे फिर आपका कोर्स ग्रुप पे आ गया,
अब इसमें इंजीनियरिंग व्यवसाय है, यानी अभी देखिए ये तीसरा आपको दिखा रहे हैं कोर्स ग्रुप का है, तीसरा इंजीनियरिंग व्यवसाय में। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है 2 वर्ष है, और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा उपर्जा जैसे टीवी वीसीआर सामान इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जिससे जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आराम से वही वाला पल्ले पे हटी दीजिए, उसमें आपका हो जाए। अब देखिए फिर कोर्स ग्रुप पे आ गया, फिर अब इसमें क्या है कोर्स ग्रुप में, इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय है, यानी इंजीनियरिंग व्यवसाय से अलग हट के इतर इसी को बोलते हैं, राजकीय संस्थानों में केवल महिलाओं हेतु है। देखिए ये जो चीज़ है राजकीय संस्थानों में केवल महिलाओं के लिए है, ना कि पुरुषों के लिए, यहाँ पर साफ साफ देखिए मेंशन भी कर दिया गया है। अब इसके बाद देख लेते कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ये जो कोपा है अभी एक कोपा दिखाए थे वो अलग था, ये जो कोपा है देखिए ये चूँकि ऊपर लिखा है महिलाओं के लिए साफ साफ, तो एक जो कोपा है ये महिलाओं के लिए, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये वाली कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग ये सब चीज़ें। फिर कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग ये भी चीज़ें है, देखिए कढ़ाई था सुई जात के कर रहे हैं, फैशन कास्मेटो इस प्रकार से स्टोन। अब आपका कोर्स ग्रुप ए का फिर देखिए फिर आ गया इधर इंजीनियरिंग व्यवसाय से अलग, फिर आ गया नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, फिर आ गए यहाँ देख सकते हैं आप फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए कोर्स काफ़ी इम्पोर्ट महत्वपूर्ण है, जिसको इसमें जाना है 1 वर्ष भी है और 10वीं पास इसमें भी है, सिलाई कढ़ाई इनसे संबंधित जो क्रिया है ये सब रहती है। फिर कास्मेटोलॉजी 1 वर्ष का भी है, मनुष्य केश एवं त्वचा के केश और बालों के लिए जो है केश त्वचा की बाल देखभाल के लिए भी काफ़ी से पोस्ट महिलाओं के लिए। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कार्यालय पद्धति का ज्ञान इसमें है। फिर देखिए कोर्स ग्रुप बी आ जाइए, अभी तक ए चल रहा था ना बी आ गया, मतलब ए में 4-5 आप देखिए ट्रेड, अब बी आ गया ये, अभी इंजीनियरिंग ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड इसमें देखिए शीट मेटल है, वायरमैन, वेल्डिंग, प्लम्बर, कारपेंटर ये सब चीज़ें हैं, सब करने से आपको काफ़ी। अब देखिए ये जो ग्रुप इसमें है इसमें देख लीजिए, ये जो ग्रुप बी में है, ग्रुप बी में है, इसकी जो योग्यता है कक्षा 8वीं पास है, इसमें देख ले जितनी है सब कक्षा 8वीं, देखिए कक्षा 8 उत्तीर्ण, कक्षा 2 उत्तीर्ण रिक्वायरमेंट, अपो कक्षा 8 उत्तीर्ण, 8 पास, 8 पास, 8 पास, इसमें जितना था सब 8 पास था। देखिए इसमें भी है ग्रुप सी में जो दूसरा आ गए थे इंजीनियरिंग से, इसमें कक्षा 8 फुटवियर मेकर लेदर गुड्स यानी क्लास 8 पास इसमें भी है, इसमें भी देखिए इतना इंजीनियरिंग से है ग्रुप बी में क्लास 8 क्लास 8 क्लास 8, यानी कक्षा 8 वालों के लिए इसमें फार्म है वो अपना भर सकते हैं, और एडमिशन आवेदन पत्र के दिशा निर्देश भी आपको दे दिया गया है, इसको आप क्लिक करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं उसका क्या निर्देश है दे दिया गया है। तो ऐसे में जो भी छात्र या छात्राएँ 10वीं पास की हैं 8 पास की हैं उनको अगर है, देखिए इसमें दिया गया है कैसे कैसे आपको पूरा पेमेंट करना है, OTP प्रक्रिया है, यहाँ देखिए फार्म भर के दिखाया गया है इसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार से आपको फार्म भरना है, फिर ये आपको प्रश्न भरना है, OTP के बाद सत्यापन होगा, फिर फार्म भरने के बाद फिर भी आप देखना है नाम मिला लीजिए कोई गलती ना हो, आरक्षित पर देखना है आपको आधार नंबर कार्ड नंबर ये सब चीज़ें 8वीं उत्तीर्ण किए हैं 10वीं किए हैं, 10वीं में आपका विज्ञान गणित के साथ है, फिर 12वीं भी अगर कोई किया है तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, आप इस डिटेल में आप दे सकते हैं सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है, हर कोई फार्म आता है उस पर हेल्पलाइन नंबर रहता है, कोई समस्या हो तो आप इस हेल्पलाइन में 10 बजे से 6 बजे तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ईमेल आईडी भी है, इस ईमेल आईडी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कई बार फ़ोन करते हैं वहाँ बात होती है, प्रारंभिक उसका निदान भी होता है, तो कोई सी कोई समस्या हो तो कमेंट भी कर सकता है, और नहीं तो खुद वो अपने से फ़ोन लगा के पूछ सकता है, सर इसमें एक चीज़ जी हमको समझ नहीं, एक चीज़ है सबसे अच्छा रहेगा आप वहाँ फ़ोन कर लेंगे तो आपको क्लियर काफ़ी बता देंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो तो पसंद आए वीधियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलें, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।